सो हे वेलकम बैक टू है इ ग्रेट यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिक्स टू एट थ्री का डुअल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग बताने वाला हूँ वॉल्यूम बेस ट्रेबल ब्लूटूथ मॉड्यूल सारा कनेक्शन गाइज ये डुअल चैनल का एम्पलीफायर बोर्ड का वायरिंग हम इस वीडियो में करेंगे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को सिक्स टू एट थ्री का सिंगल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड का वायरिंग करने बताया था गाइज वो वीडियो आप देख सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आइए गाइज इस डुबल चैनल के एम्पलीफायर बोर्ड का कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान है सिंगल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड पे हमारा सिंगल ऑडियो इनपुट जाता था और सिंगल स्पीकर के थ्रू से ऑडियो आउटपुट आता था सिंगल स्पीकर में लेकिन डुअल चैनल के एम्पलीफायर बोर्ड पे क्या होगा कि हम डुअल ऑडियो इनपुट देंगे यानी कि लेफ्ट और राइट right दोनों ऑडियो इनपुट देंगे इस एम्पलीफायर बोर्ड पे और आउटपुट भी दो स्पीकर से कनेक्ट करके लेंगे ये स्टेरियो एम्पलीफायर बोर्ड भी कहलाता है डूगल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं इसका वायरिंग्स का मैं अगर बात करूँ तो वी यानी कि पावर सप्लाई का सेम हमारा पिन होगा आई का पिन नंबर ट्वेल्व देखिए आईसी का हमारा यहाँ पे एक नॉच टाइप में दिया हुआ है इस टाइप में कट का निशान इससे यह पता चलता है कि आईसी का जो पिन नंबर है वो हमारा इस साइड से ही काउंट करना है देखिए ये हमारा आईसी का पिन नंबर वन है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व टोटल ट्वेल्व पिन के होते हैं जिसमें से ट्वेल्व वाला पिन हमारा वी का होगा यानी कि हमारा नाइन वोल्ट या तो फिर बारह वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई देना होगा इसमें डी का देखिए इसमें से हमें डीसी का ही इनपुट पावर सप्लाई देना होगा इस एम्पलीफायर बोर्ड पे क्योंकि इसमें ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लगाया हुआ है जो कि एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा देखिए गाइस ये हमारा वीसीसी का हो गया पिन नंबर ट्वेल्व और ग्राउंड का रह गया हमारा आईसी का पिन नंबर सिक्स और नाइन देखिए ये लेयर हमारा एक साथ में कनेक्टेड है वही लेयर हमारा यहाँ पे आया हुआ है इस मैन कैपेसिटर के नेगेटिव में कनेक्ट हुआ है और यही नेगेटिव यानी कि ग्राउंड हमारा इधर आया हुआ है यहाँ पे और वही ग्राउंड हमारा इधर आकर के फैला हुआ है कुछ इस तरह से ग्राउंड का कनेक्शन हम कहीं भी कर सकते हैं सारा हमारा कॉमन होता है अब देखिए ये हो गया पावर सप्लाई का अब मैं बात कर लेता हूँ ऑडियो इनपुट का इस आईसी में ऑडियो इनपुट आईसी के पिन नंबर फाइव और सेवन में कनेक्ट करना है कुछ कंपोनेंट्स को कनेक्ट होने के बाद देखिए एक पॉइंट हमारा ये रहा एक पॉइंट हमारा ये रहा ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ पे चल गया आईसी का पिन नंबर फाइव में उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट ये रहा यहाँ से एक रजिस्टर कनेक्ट हुआ और यहाँ से एक पीएफ के थ्रू से आईसी के पिन नंबर सेवन में चला गया ऑडियो इनपुट उसके बाद गाइस देखिए ये ऑडियो इनपुट चला गया अब हमें यहाँ से ऑडियो आउटपुट लेने के लिए स्पीकर के थ्रू हमारा आई के पिन नंबर टू और टेन से आएगा नंबर टू कौन सा हो जाएगा ये देख सकते हो ना आईसी का मुंह इस साइड में है इस साइड में नंबर लिखा हुआ है पहला वाला इस साइड में होगा तो ये रहा तो दूसरा वाला पिन में से देख सकते हो यहाँ पे इधर ये आया लेयर वाला और ये एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है यहाँ पे ये वाला और इसके नेगेटिव में हमें कनेक्ट करना है स्पीकर का पॉजिटिव वाला और एक ग्राउंड वाले को ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है बाकी दूसरे चैनल को आईसी के पिन नंबर के टेन ये रहा और टेन में से भी देखो यहाँ पे एक और कैपेसिटर है और कैपेसिटर के नेगेटिव में ये रहा और इसके नेगेटिव में हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है

देखिए ये हमारा सर्किट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा इस वाले वायर से तो इस डीसी वाले पावर सप्लाई को हमें इसमें इनपुट दे देना है यहाँ पर मैं एक ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ पावर सप्लाई के तौर पे बारह जीरो बारह का लेकिन एक वायर यूज नहीं कर रहा हूँ तो ये जीरो और बारह का वायर हो चुका है ये दो एम का ट्रांसफार्मर है हमें दो एम का यूज़ करना है अच्छा क्वालिटी का ऑडियो आउटपुट लेने के लिए एम्पलीफायर बोर्ड से तो पावर सप्लाई के वायर को मैं डायरेक्ट ये जो मैन कैपेसिटर है हमारा उसके पॉजिटिव में पावर सप्लाई के पॉजिटिव को कनेक्ट कर देना है और नेगेटिव में पावर सप्लाई के नेगेटिव को कनेक्ट कर देना है ये पीला वायर मेरा पॉजिटिव है तो मैं इसे यहाँ पे सोलर कर देता हूँ और नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट कर देता हूँ गाइज सिंगल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड का अगर वायरिंग देखे हो आपने प्रीवियस वीडियो में तो आपको ये वाला समझने में आसानी होगी बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी ये मैंने पावर सप्लाई के वायर को कनेक्ट कर दिया अब स्पीकर्स के वायर को कनेक्ट करता हूँ स्पीकर्स के लिए देख सकते हो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इस तरह का स्पीकर्स ये ट्वेंटी ट्वेंटी वाट के हैं तो चलिए अब मैं इसके भी वायर्स को मैं कनेक्ट कर देता हूं जैसे कि मैंने बताया ये इस कैपेसिटर के नेगेटिव में एक वायर कनेक्ट करना है इस कैपेसिटर के नेगेटिव में एक वायर कनेक्ट करना है दोनों स्पीकर्स के पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को एक स्पीकर का पॉजिटिव हमारा इसमें कनेक्ट हो गया और दूसरा वायर हमारा स्पीकर का कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड में तो ग्राउंड में मैंने कनेक्ट कर दिया और दूसरे स्पीकर के पॉजिटिव वायर को हमें कनेक्ट करना है दूसरा जो आउटपुट है कैपेसिटर का उसमें और नेगेटिव वाले को हमें नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है बात रही अब इसमें ऑडियो इनपुट देने की अब सारा कनेक्शन हो चुका है इसमें बस हमें ऑडियो इनपुट देना है ऑडियो इनपुट देने से पहले मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूँ कि हम इसमें वॉल्यूम बेस और ट्रेबल का कनेक्शन करेंगे जिसके लिए हमें तीन पोटेंशियोमीटर्स का जरूरत होगा एक वॉल्यूम के लिए एक बेस के लिए और एक ट्रेबल के लिए गाइस बेस और ट्रेबल के लिए हमें यहाँ पर 100 100 किलो ओम का दो पोटेंशियो चूज करना है डुअल चैनल का देख सकते हो डुअल चैनल में एक चैनल इस साइड है और दूसरा चैनल इस साइड है यहाँ पर मैं सभी पोटेंशियोमीटर्स के ग्राउंड वाले पिन को एक साथ में कनेक्ट कर दिया है क्योंकि जो ग्राउंड वाला पिन है सभी में सेम होगा आप देख सकते हो यहाँ पर सब में सेम होगा इसके भी ग्राउंड वाले पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया है जो तीसरा वाला पिन होता है ना पोटेंशियोमीटर का वो ग्राउंड का होता है इसमें भी देखो दोनों को एक साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया है और वॉल्यूम वाले को भी मैं एक साथ में कनेक्ट कर दिया हूँ यहाँ से हमारा ग्राउंड का आउटपुट जाएगा तो ये ग्राउंड कॉमन है

वो हमें ऑडियो इनपुट कनेक्ट कर देना है इस एम्पलीफायर बोर्ड पे जो ग्राउंड वाला है वो ग्राउंड में कनेक्ट हो जाएगा और एक वाला वायर ऑडियो इनपुट में एम्पलीफायर बोर्ड पे हमारा ये वाला कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा ये वाला कनेक्ट हो जाएगा बाकी ये जो पहला वाला पिन और दूसरा वाला पिन रह गया ना वो हम कनेक्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में पहले ये सारे कनेक्ट मैं कर लेता हूँ देखिए सबसे पहले लेफ्ट और राइट right और ग्राउंड वाले को कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड वाला मेरा ग्रीन है तो ग्रीन वाले को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है आईसी के पिन नंबर सिक्स और नाइन में जो ग्राउंडेड है ऑलरेडी हमारा और ऑडियो इनपुट को मैंने बताया यहाँ पे कनेक्ट करना है आईसी के पिन नंबर फाइव और सेवन में तो कुछ कंपोनेंट्स भी कनेक्ट होंगे आईसी के पिन नंबर फाइव और सेवन में देख सकते हो एक यहाँ पे आया हुआ था पॉइंट एक मैंने कनेक्ट कर दिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है तो इस वाले पॉइंट में मैं इसे कनेक्ट कर दिया तो ये हो गया ऑडियो इनपुट वॉल्यूम से जो गया वो हमारा और अब हमें बेस और ट्रेबल का सर्किट बनाना है बेस और ट्रेबल का सर्किट के लिए हमें हंड्रेड हंड्रेड किलो ओम के दो पोटेंशियोमीटर चाहिए जैसे कि मैंने बताया और कुछ कॉम्पोनेंट्स चाहिए कुछ कॉम्पोनेंट्स में से आप देख सकते हो ये फोर किलो ओम का दो रजिस्टर चाहिए एक का दो पी चाहिए और एक नंबर का दो पी एफ चाहिए ये हम डुअल चैनल का बना रहे हैं इसीलिए हमें दो दो पीसेस लेने हैं इन सारे कंपोनेंट्स को अब हमें जो बेस का पोटेंशियो बनाना है उसे लेना है और उसमें हमें 103 के पीएफ को कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से जो पोटेंशियोमीटर है उसके पहले वाले पिन और दूसरे वाले पिन में 103 के पीएफ को इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है गैज इसका पोलारिटी नहीं होता है पीएफ का पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है तो आप किसी साइड से भी कनेक्ट कर सकते हो ये देखिए मैंने एक चैनल में कनेक्ट कर दिया है पहले वाले पिन और दूसरे वाले पिन में उसी प्रकार से हमें दूसरे वाले चैनल में कनेक्ट कर लेना है पहले वाले पिन और दूसरे वाले पिन में दोनों चैनलों में 103 के पीएफ को इस तरह से कनेक्ट कर लेने के बाद हमें लेना है 4.7 किलो ओम के रजिस्टर और दोनों चैनलों के बीच वाले पिन में कनेक्ट कर देना है देखिए ये हमारा इस टाइप से हो जाएगा और दूसरा वाले चैनल में भी कनेक्ट कर देना है गाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में सिंगल चैनल के एम्पलीफायर बोर्ड पे बेस और ट्रेबल का कनेक्शन बताया है एकदम डिटेल में टोटल तो आप अगर वो देखोगे ना तो ये चीज आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअल में कैसे कॉम्पोनेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं बाकी यहां पर क्या हो रहा है ना कि डुअल चैनल में मैंने दो अलग अलग चैनल में यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं उसमें मैंने सिंगल चैनल का बताया है तो अच्छे से एकदम ज्यादा कॉम्पोनेंट्स नहीं है तो अच्छे से समझ में आएगा ये हो गया हमारा बेस का कनेक्शन हो चुका है जिसमें से हमारा ऑडियो आउटपुट बेस वाले पॉइंट से यहां से जाएगा और दूसरा इस वाले रजिस्टर के इंड से जाएगा अब चलिए ट्रेबल का कनेक्शन करते हैं ट्रेबल वाले में कुछ नहीं करना है, है बस हमें 104 के पीएफ लेना है और उसे सीरीज में कनेक्ट कर देना है उसके बीच वाले पिन में इसमें भी हमें दोनों चैनलों में कनेक्ट करना है एक चैनल में, में मेरा कनेक्शन हो चुका है दूसरे वाले में भी मैंने कनेक्ट कर दिया और इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया बेस और ट्रेबल का अब देखिए जो टेबल का आउटपुट होगा ऑडियो आउटपुट वो यहाँ से जाएगा और यहां से जाएगा तो इसका आउटपुट और इसका आउटपुट दोनों को साथ में कनेक्ट कर देना है मर्ज कर देना है तो देखिए हमें कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है पहले वाले चैनल का मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से और इसे भी सोलर कर देता हूँ यहाँ पे बस ये हमारा बेस और ट्रेबल का कनेक्शन हो चुका है हमारा इस तरह से मैंने कर लिया है अब इस बेस और ट्रेबल के पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट करने के लिए एक वायर लेना है जो कि ऑडियो का कनेक्शन होगा और इस वायर को हमें ग्राउंड वाले को ग्राउंड के साथ पहले कनेक्ट करना है जो बेस का ग्राउंड होगा वो ट्रेबल में सेम होगा तो ग्राउंड को डायरेक्ट एक वायर के थ्रू से कनेक्ट कर देना है अब जो बेस वाला में ऑडियो इनपुट जाएगा वही ऑडियो इनपुट हमारा ट्रेबल में भी जाएगा तो देखिए अब मैं एक और वायर को कनेक्ट कर देता हूँ बेस और ट्रेबल वाले में तो पहले वाले पिन हमारा बेस में कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरे चैनल के पहले वाले पिन में और सेम उसी प्रकार से जो मैंने ऑडियो इनपुट दिया बेस वाले में वही ऑडियो इनपुट हमें ट्रेबल वाले में कनेक्ट कर देना है यानी कि पैरल कनेक्शन कर देना है हमें बेस और ट्रेबल में ऑडियो इनपुट का ये रहा हमारा ऑडियो इनपुट पहले वाले पिन में जो मैंने कनेक्ट किया बेस वाले में वही इसके पहले वाले पिन में मैंने कनेक्ट किया ट्रेबल वाले में जो पहले वाले पिन में मैंने बेस वाले में कनेक्ट किया दूसरे चैनल में वही मैंने दूसरे चैनल में कनेक्ट कर दिया और इस तरह से बेस और ट्रेबल में भी ऑडियो इनपुट चला गया बात रही अब यहां से ऑडियो आउटपुट की तो ऑडियो आउटपुट के लिए जो ग्राउंड है वो हमारा ग्राउंड में ही कनेक्ट होगा और जो हमारा पहले मैं ग्राउंड वाले को कनेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद जो ऑडियो आउटपुट जाएगा जैसे कि मैंने बताया कि इस वाले से, से, और इस वाले से देता हूँ एक चैनल में कनेक्ट कर दिया और उसी प्रकार से हमें अब दूसरे वाले चैनल में भी कनेक्ट कर देना है तो ये हमारा ऑडियो इनपुट चला गया बेस और ट्रेबल से देख सकते हो आप यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा ग्रीन वाला और येलो वाला और ऑरेंज वाला हमारा ऑडियो आउटपुट हो जाएगा ये दोनों ऑडियो आउटपुट का पॉजिटिव ये ग्राउंड का अब यहाँ से जो ऑडियो आउटपुट गया बेस और ट्रेबल से वो हमें ऑडियो इनपुट दे देना है वॉल्यूम का जो पोटेंशियोमीटर है ना उसमें तो वॉल्यूम का पोटेंशियोमीटर का ऑडियो इनपुट जाएगा पहले वाले पिन में और ग्राउंड वाले में तो ग्राउंड वाला जो है उसे मैं ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ और जो लेफ़्ट और राइट right का है वो पहले वाले पिन पहले चैनल का और दूसरे चैनल के पहले वाले पिन में ऑडियो इनपुट दे देता हूं। देख सकते हो आप यहां पे ऑडियो इनपुट इस तरह से मैंने बेस और ट्रेबल वाले को कनेक्ट कर दिया और इस तरह से हमारा वॉल्यूम बेस और ट्रेबल का कनेक्शन भी कंप्लीट होता है अब ऑडियो मेन ऑडियो इनपुट जो हमारा ऑक्स केबल का ऑडियो इनपुट होता है वो हमें बेस वाले में कनेक्ट करना है तो ऑडियो इनपुट देने के लिए आप ऑक्स केबल भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ ब्लूटूथ मॉड्यूल में क्या है कि इसमें पांच वोल्ट का पावर सप्लाई इनपुट देना है उसके बाद से ऑडियो आउटपुट लेना है बस इसमें कुछ करना है नहीं यहाँ पे देखो ऑडियो आउटपुट के लिए पिन्स लगे हुए हैं चार चार जिसमें से पहला है इस साइड से एंटीने का दूसरा है ये आर ओ का मतलब राइट आउटपुट ये जी मतलब ग्राउंड एल ओ मतलब लेफ्ट चैनल का आउटपुट जाएगा यहां से यहाँ पे हमें पावर सप्लाई के वायर को कनेक्ट करना है पांच वोल्ट और ग्राउंड का आप चाहे तो बारह वोल्ट का भी कनेक्शन कर सकते हो इस पे लेकिन बारह वोल्ट का, का काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अठहत्तर जीरो पांच का वोल्टेज रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है गाइज यहाँ पर अब हम सभी को पता है कि ये एम्पलीफायर बोर्ड नौ वोल्ट से बारह वोल्ट के इनपुट पावर सप्लाई में काम करता है लेकिन ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारा पाँच वोल्ट में ही काम करता है तो डायरेक्ट इसका इनपुट इसमें तो दे नहीं सकते हैं और एक्सटर्नल पावर सप्लाई क्यों लगाएंगे तो उसके लिए हमें नौ वोल्ट या तो फिर बारह वोल्ट से पांच वोल्ट कांस्टेंट पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए एक लेना है अठहत्तर जीरो पांच का वोल्टेज रेगुलेटर कुछ इस तरह से पहला वाला पिन इसका ऑडियो इनपुट होता है जो कि हम पावर सप्लाई का पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे दूसरा वाला पिन ग्राउंड होता है जो कि पावर सप्लाई के ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे और यहीं से आउटपुट का ग्राउंड भी कनेक्ट होगा और ये वाला पिन हमारा आउटपुट का पिन होता है जो कि कॉन्स्टेंट पांच वोल्ट का पावर सप्लाई देगा तो इस अठहत्तर जीरो पांच के वोल्टेज रेगुलेटर को मैं कनेक्ट कर देता हूं इसी एम्पलीफायर बोर्ड पे पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए हमें इसमें सोलर कर देना है ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने इसमें सोलर कर दिया है और यहाँ से आउटपुट के लिए इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में कनेक्ट करने के लिए हमें इस तरह के कनेक्टर्स मिलते हैं कनेक्टर्स जो कि डायरेक्ट हमारा इसमें कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ मॉड्यूल में तो ऑडियो इनपुट और पाँच वोल्ट के लिए ये रहा हमारा ऑडियो के लिए जो कि ये एंटीना है और एंटीने वाले वायर के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे एक है ग्राउंड का एक लेफ्ट और राइट right चैनल का तो जो ग्राउंड वाला है ना वो हमें ग्राउंड वाले में कनेक्ट कर देना है ग्राउंड वाले में जैसे कि मैंने बताया कि ऑडियो इनपुट हमें कनेक्ट करना है बेस वाले पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियोमीटर में तो ग्राउंड वाले को मैं ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ यानी कि तीसरे वाले पिन में और जो ऑडियो का इनपुट जाएगा हमारा पहले पहले वाले पिन में जाएगा आप चाहे तो यही ऑडियो इनपुट ना ट्रेबल वाले में भी कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि हमने जो ऑडियो इनपुट बेस में दिया हुआ है वही हम ट्रेबल में कनेक्ट कर रहे हैं तो एक हमारा आ गया पहले वाले चैनल में और दूसरे वाले चैनल में भी मैं ऑडियो इनपुट कनेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर ये ऑडियो इनपुट चला गया इस पोटेंशियोमीटर में अब हमें पावर सप्लाई के वायर के कनेक्टर को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए पॉजिटिव नेगेटिव जरूर देखना नहीं तो फिर बहुत ही जल्दी ब्लूटूथ मॉड्यूल पैनल खराब हो जाता है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कनेक्ट कर लेना देखिए यहाँ पर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया इस कनेक्टर में और इस कनेक्टर को भी मैं अब इसमें लगा देता हूँ और बस इसकी वायरिंग्स भी अब हमारी कंप्लीट हो गई है अब चलिए इसमें हम ऑडियो को चेक करके देखते हैं ऑडियो क्वालिटी सारा चीज़ गाइज इसमें बेस भी बहुत ही बढ़िया काम करता है इस सैप्पलीफायर बोर्ड पर इस तरह का कनेक्शन में अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ ना देखना अभी चलो अब मैं पावर सप्लाई के वायर को इसमें कनेक्ट कर देता हूँ ये मैंने पावर सप्लाई के वायर को इसमें कनेक्ट किया ब्लूटूथ से मैं अब कनेक्ट करके आप सभी को म्यूजिक को प्ले करके दिखाने वाला हूँ ये देख सकते हो यहाँ पर ये काम कर रहा है ये रहा हमारा वॉल्यूम का और ये बेस ये ट्रेबल का गाइज जब मैं वॉल्यूम बेस और ट्रेबल का रोटेट कर रहा होऊंगा पोटेंशियोमीटर्स उस टाइम पे आप ध्यान देना बेस और ट्रेबल पे और वॉल्यूम पे भी ध्यान देना देखो ये वॉल्यूम को अभी मैंने कम कर रखा है अब मैं बढ़ा करके सारा चीज़ चेक करके दिखाता हूँ देख सकते हो यहाँ पे ट्रेबल कितना बढ़िया काम कर रहा है और बेस भी जब मैं बेस बढ़ा रहा हूं तभी स्पीकर के पर्दे उछाल मार रहे हैं और कम कर दे रहा हूं तो उछाल कम हो जा रहा है ट्रेबल का भी इफेक्ट देख सकते हो आप तो कुछ इस तरह से आप इस सिक्स टू एट थ्री डुबल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड पे वॉल्यूम बेस और ट्रेबल का कनेक्शन कर सकते हो तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और आप सभी ने यहाँ तक वॉल्यूम बेस ट्रेबल ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन करना सीख लिया होगा इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय